एक बार फिर भिलाई की बेटी दिव्या कुमारी ने अपने हुनर का लोहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनवा लिया है। दिव्या जूडो एंड कुरास खेल में पूर्णतः पारंगत है और ये कजाकिस्तान में होने वाली अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। गले में इतने सारे मेडल लटकाए यह बेटी भिलाई की है और इस बेटी का नाम दिव्या कुमारी है। दिव्या कुमारी के माता पिता ने दिव्या को जूडो खेल के प्रति प्रेरित कर उसे जूडो के प्रशिक्षकों के सानिध्य में ट्रेनिंग लेने की इजाजत दे दी। शायद दिव्या को या उनके माता पिता को यह पता नहीं था कि दिव्या एक दिन इस खेल में इतनी पारंगत हो जाएगी कि वह अपने माता पिता के साथ अपना और अपने गुरुजनों एवं अपने प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करेगी। आज दिव्या जूडो खेल से प्रेरित एशियन प्रतियोगिताओं से मान्यता प्राप्त कुरास खेल खेलती है और इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो गया है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनने के लिए भी दिव्या ने कड़ी मेहनत की और इस कड़ी मेहनत में इनके प्रशिक्षकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज यही कारण है कि दिव्या के प्रशिक्षक भी सर ऊंचा करके उन्हें बधाइयां दे रहे हैं कि उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। दिव्या यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तजाकिस्तान में जाकर खेलेंगी जहां उन्हें अन्य देशों से आए प्रतिद्वंदियों का सामना करना होगा, लेकिन दिव्या और उनका परिवार यह मानता है कि उनके प्रशिक्षकों द्वारा दी गई ट्रेनिंग काफ़ी ठोस है और इसके दम पर जिस प्रकार दिव्या ने अपना चयन इस प्रतियोगिता के लिए करवाया है, वैसे ही दिव्या इस प्रतियोगिता में जाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदियों को मात देकर धूल चटाएंगी और अपने देश के लिए मेडल जरूर लाएंगी। दिव्या कुमारी, दिव्या कुमारी क्या खेल खेलती हैं आप? मैं जूडो और कुरास खेलती हूँ। जूडो मतलब स्टैंडिंग एंड सिटिंग दोनों गेम है, ग्राउंड पोजीशन, बट कुरास में जो सिटिंग पोजीशन ग्राउंड पोजीशन वो नहीं खेला जाता है। मैं शिवपुरी खेल परिसर में प्रैक्टिस करती हूँ। शेख सरीफ, किरण शर्मा एंड पी किशोर। मैं कुरास खेलने जा रही हूँ 18-23 मार्च तजाकिस्तान, यही मतलब वहाँ पर है। पहले हमारा भाटापारा में हुआ था, 13 फरवरी को स्टेट नेशनल ट्रायल हुआ था। उसके बाद मेरा नेशनल हुआ सोनीपत हरियाणा में, जो 18-20 फरवरी हुआ। अब वहाँ पे मेरे मेडल लगने के बाद मेरा तजाकिस्तान में सिलेक्शन हुआ एशियन चैम्पियनशिप। अच्छी तैयारी थी, अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा, अच्छा था मेरा। तैयारी तो मैंने ठीक की है और पूरी कोशिश रहेगी मेडल लाने की, और मैं कोशिश भी करूँगी मेडल लाने की उम्मीद भी है। हाँ, मेरे को लगता है पोजीशन के दम पर मैं मेडल ला सकती हूँ। परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, सपोर्टिंग है फैमिली पूरी। तो ये आपका पहली बार ऐसा होगा विदेश जाना? हाँ, ये पहली बार है। तो कुछ डर या कुछ कैसा फील कर रही हैं? नहीं, डर तो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, मतलब खेलने जा रहे करके अच्छा। वहाँ से मेडल आने के बाद में एशियन गेम्स में अपना लक्ष्य रखना चाहती हूँ और आगे वहाँ पर मेडल आना चाहती हूँ। मैं कॉलेज करती हूँ, फर्स्ट ईयर बी कॉम सब्जेक्ट लेके, इंदिरा गांधी कॉलेज में। मैनेज कर लेते हैं, कोशिश करके हो जाता है मैनेज। नहीं, मम्मी सपोर्टिंग है, मम्मी पढ़ाई पे फोकस करने बोलती है, गेम में फोकस करने बोलती है, पापा भी वैसे सपोर्टिंग है। दिव्या जामुल के शिवपुरी स्थित खेल परिसर में अपना पसीना बहाकर इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तैयार हो रही है और यह तैयारी दिव्या के प्रशिक्षक शेख शरीफ, पी किशोर और प्रशिक्षिका और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी किरण शर्मा की निगरानी में सतत चल रही है और इनकी तैयारियों एवं उनके प्रशिक्षकों के विश्वास को देखते हुए इनके माता पिता भी काफी खुश हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी पर उन्हें काफी गर्व है और ऐसी बेटी ऊपर वाला हर किसी को दे। वो तो अच्छा लग रहा है, जाए अच्छा खेले, मेडल लाए, यही काम है उसके लिए। शिवपुरी जाती हैं और हसनपुर भी जाती हैं, दोनों जगह जाती हैं तो फिर अच्छा है। शेख सिंह पैर हैं, किरण सिंह पैर हैं, टी किशोर हैं, इनका अच्छा है, अच्छा कराते हैं, इनका पढ़ाई में सही है, खेल भी ठीक है, इनका अच्छा है। तो आप बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इनको? हाँ, सपोर्ट तो पूरा है हमारा, है पूरे लोगों देश मॉडल लोगों का है, सभी का सपोर्ट है, सभी जा पा रही है। मैं बोलूँगा भाई, दबाने का जरूरत है, बच्चों को खेला, खेलना चाहता तो खिलाओ उसको, जो करना चाहो करने दो उसको, तब तो आगे बढ़ेगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, तो बहुत बहुत की इसके लिए, सभी लोग जितने भी हैं लोग सब इतना जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा किए। हाँ, तैयारी की है तो लाना चाहिए उसको मेरा। हमको बहुत अच्छा लगा था कि हमारी बेटी आगे बढ़ती है, हमको बहुत खुशी है ना, हमारी बेटी से कोई शिकायत।
तब हम चाहते नहीं कि हमारी बेटी खूब अच्छा से जीत के आओ, दम हमारा खुशी खूब होके। तो आज इतना इतना सफल बाड़ी, केहू के धन्यवाद बोलब? हाँ, शेख जी के सब धन्यवाद बोलत नहीं, आ मैडम के धन्यवाद, सबके धन्यवाद बोलत नहीं, सब भैया लोग हमको सहयोग दिए, मैम भी सहयोग दिए, सब भैया लोग हमको सहयोग दिए। अच्छा, घर में बेटी के व्यवहार कैसे बा? बहुत अच्छा है, मेरी बेटी के व्यवहार बहुत अच्छा है, मैं परम बेटी पर बहुत खुश रहती हूँ, हमारी बेटी के व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर आप में कोई भी हुनर है और उस हुनर को सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षक मिल जाए तो वह हुनर पूरे ब्रह्मांड में अपनी छटा बिखेर देता है। ऐसा ही कुछ भिलाई की बेटी दिव्या कुमारी के साथ हुआ और उन्हें भी उनके गुरुजनों के रूप में ऐसे मार्गदर्शक मिले जिन्होंने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का परचम लहराने को तैयार है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।